अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो एक्सरसाइजेज मैं आपको करके दिखानी हैं वो सिर्फ आपने 10 मिनट अपनी बॉडी को देने हैं। 10 मिनट में आपकी जो है फैट्स वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी आपकी बॉडी पे फैट्स है उसके लिए बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं। पता भी है आज आप जो तो आज आखिरी रोज़ा है और रोज़े में एक्सरसाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो लेकिन अपनी बॉडी को कम अज़ कम आप 10 मिनट दें। ये सबसे पहली जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ उसे हम कहते हैं जंपिंग जैक। ये जिसम वार्म अप करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। जब भी आपको एक्सरसाइज करने लेकिन लाजमी आपने उसे वार्म अप करना है। तो जंपिंग जैक कम अज़ कम आपने करना है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में आप कम अज़ कम 30 से 40 रैप्स लग सकते हैं। तो 20 कर लें, 30 सेकेंड कर लें, तो इसके बाद आप 30-35 सेकेंड के बाद आप करें 10 सेकेंड रेस्ट, ताकि आपका जिस्म अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए। रेस्ट करने का मकसद ये हो गया कि आप, क्योंकि आप रोज़ा होता है, रोज़े में एक्सरसाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए अगली एक्सरसाइज हम करेंगे उसे हम कहते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं, उसे कहते हैं हम हाई नीज़। ये देखें हाई नीज़ आपने क्या करना है, जिस तरह आप रनिंग करते हैं उस तरह आपने नी सामने उठाने हैं, ये वन बाई वन बाजू इसी तरह आपने हिलाने हैं, जिस तरह ऐसे लगे जैसे आप रनिंग कर रहे हैं। और लेकिन ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप घर में कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जिम नहीं जा सकते, तो कमरे में अपने छोटे सी जगह पे किसी जगह पे आप कर सकते हैं इजीली। बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं ये। तो इससे आप ये है कि आप अपनी जितनी भी आपकी फैट्स है बॉडी पर वो आप जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अब ये रूटीन बनाए 10 मिनट, अगर आप 15 से 20 दिन करेंगे आपकी बॉडी फैट्स ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इस एक्सरसाइज के बाद हमने जो हाई नीज के बाद करनी, हाई नीज के बाद हमने 10 सेकंड रेस्ट। रेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो रोज़ा है वो रोज़ा आपको लगे ना और आप इजी से एक्सरसाइज कर लें। तो हल्की फुल्की करनी चाहिए रोज़े में भी, रोज़ा कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज हम तैयार करें उसे कहते हैं हम ईयर स्किप। ये देखें जिस तरह रोपिंग करते हैं आप, ईयर स्किप से ये हो कि आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है या पूरी बॉडी आपके देखें मूवमेंट में है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजी, आप इजीली कर सकते हैं चाहे आपको रोज़ा भी क्यों ना हो। ये भी आपने 35 सेकंड तक ये रोपिंग करनी है, ईयर स्किप जंप करने हैं। इससे ये हो गया आपकी जल्दी बॉडी, जितनी भी आपकी फैट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन शर्त है कि आप एक्सरसाइज करें। तो इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमने कम अज़ कम 10 से 15 सेकंड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम रिलैक्स हो जाएं और अगली एक्सरसाइज इजीली कर सकें। अगली एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजी है और आपके लिए, अगली एक्सरसाइज जो करके दिखाऊंगा वो आपके पेट के लिए ख़ास कर, उससे पेट इतना जल्दी ख़त्म होता है अगर आप वो करें। तो उसे हम कहते हैं माउंटेन क्लाइंबर। जिस तरह ये देखें माउंटेन क्लाइंबर, आपने एक टांग अंदर रखनी है, अंदर लेके जानी, बाहर नहीं निकालनी, ये अंदर वाली साइड पे आपने, ये देखें ये आपने कम अज़ कम करनी है 35 से 40 सेकंड। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, ख़ास कर ये इसलिए मैंने की है, ये आपके जो पेट बड़े होते हैं बाहर निकले होते हैं उनके लिए। आप ये कम अज़ कम 10 से 15 दिन करें तो इंशाल्लाह आपका जो पेट है वो जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपने करनी है 10 से 15 सेकंड रेस्ट और अगली एक्सरसाइज के लिए हम, तो रेस्ट करने के बाद हम अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार हैं। अगली एक्सरसाइज हम कहते हैं अल्टरनेटिंग लॉन्च। अल्टरनेटिंग लॉन्च बना दें कि आपने एक टांग आगे लेके जानी है, फिर उससे एक को आगे एक से पीछे। ये देखें आपने, ये भी बहुत ज़बरदस्त आपकी थाइज़ के लिए है। कोई आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी जिम की ज़रूरत नहीं है, किसी बॉडी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं, आप घर में। ये देखिए एक टांग आगे एक फिर पीछे, एक ये आगे लेके आए फिर ये पीछे लेके आए। ये भी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है आपकी थाई के लिए। जो भी आपकी थाई पे जो चर्बी चढ़ी होगी, जो मोटियाँ होंगी, वो उससे इससे स्लिम हो जाएंगी। लेकिन आप करें रेगुलर एक्सरसाइज। अब तो माह रमज़ान ख़त्म होने वाला, आखिरी रोज़ा है, और सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक भी। तो ये अभी आपने करनी है 35 से 40 सेकंड कर लें, 25 सेकंड कर लें, लेकिन करनी आपने लाजमी है। ये आपकी थाइज़ के लिए ज़बरदस्त एक्सरसाइज है।
इस एक्सरसाइज के बाद आपने करनी है कम से कम 10 से 15 सेकंड रेस्ट। तो रेस्ट करने के बाद हम अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार खड़े हैं। अगली एक्सरसाइज जो है वो भी बहुत फिट एक्सरसाइज है, वो फुल बॉडी वर्कआउट है, उसे कहते हैं हम प्रिजनर स्क्वाट। मुरादे के हाथ आपने पीछे बांधने हैं और उसके बाद आपने स्क्वाट लगाने हैं, जिसे हम डंड भी कह सकते हैं। ये देखें, हाथ रख के पीछे, जिसे प्रिजनर स्क्वाट, ये आपने ये भी कम से कम 35 सेकंड करने हैं। 35 सेकंड में ये कम से कम 20 से 30 इजीली रख सकते हैं। तो आप बिल्कुल आराम से जाएं ऊपर, आराम से, तेज़ नहीं करनी। जितनी आप तेज़ करेंगे तो आपको इंजरी होने का ख़तरा है, और बिल्कुल अपना एंगल भी ठीक रखना है। तो इस एक्सरसाइज से ये होता है कि आपकी जो थाइज़ हैं वो आप जो थाइज़ पे जो है आपकी चर्बी या जो भी फैट्स हैं वो हट जाएंगी। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज़ को हम कहते हैं, इसके बाद ये आपने कम से कम 10 सेकंड हर एक्सरसाइज के बाद आपने 10 से 15 सेकंड लाजमी रेस्ट करना है। उससे ये होता है कि एक तो आपको रोज़ा होगा, रोज़े में एक्सरसाइज करना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन जिन्हें करनी तो है एक्सरसाइज करनी भी चाहिए रोज़े में। मैं भी रोज़े में ही हूँ और रोज़े में ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो और आपके लिए मैंने कहा चलो वीडियो बना दें तो एक्सरसाइज आपको बताना मैं बता दूं। इसके बाद है जो अगली एक्सरसाइज, वो बहुत ही बड़ी, उसे हाफ बर्पीज़ कहते हैं। ये देखिए, इससे आपका ये ख़ास कर एक्सरसाइज आपकी थाइज और आपको जो पेट आगे निकला होता है ना उसके लिए है। ये देखिए आप, ये आपने टांगे पीछे, और हाफ बर्पी कहते हैं, फुल बर्पी होती है उसे जंप मारना होता है। ये देखें हाफ है, ये आपने बिल्कुल पीछे टांगे दोनों पीछे कर ली। अगर नाइन जो बिगनर हैं वो एक एक करके भी एक टांग पीछे कर सकते हैं, एक आगे, फिर दोनों को मिक्स करके फिर खड़े हो सकते हैं। इस ये है हमारी हाफ बर्पीस, ये आपकी लोअर बॉडी और आपका फैट्स उसके लिए बड़ी फिट है। इसके बाद हमने करना है 10 से 15 सेकंड रेस्ट। तो इसकी अगली एक्सरसाइज के लिए हम तैयार खड़े हैं, और अगली एक्सरसाइज है हमारी, उससे हम आपको बता देते हैं बट किक। बट किक मुराद है कि आपने हाथ रखने अपने हिप पे दोनों साइडों पे, और उन्हें हाथ टच करने की आपने करनी है कोशिश, और कोशिश करनी है, और इस तरह आपने टांगे पीछे आगे नहीं लेके आ जानी। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह आपने हाथ रखने पीछे, ये इस तरह आपने हाथ लगाने, ये दोनों पाँव, आप दोनों हाथ आपके हिप पे हैं और उन्हें हाथ लगाने की कोशिश करें। ये आपने भागना, टांगे आपने पीछे रखनी है, ये इस तरह आपने, जैसे लगता है जैसे आप दौड़ रहे हैं, ये आपने कम से कम करनी है 30 से 40 सेकेंड। ये भी आपकी थाइस के लिए इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान है। इससे एक तो थकावट नहीं होगी इन एक्सरसाइज से, जो आपको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज यह होगी हमारी एक्सरसाइज ख़त्म, और इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी अगली एक्सरसाइज, और हम इस कर रहे हैं 10 से 15 सेकेंड रेस्ट। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी फैट्स, बेली फैट्स के लिए ख़ासकर, वो भी है, उसे हम कहते हैं प्लैंक स्टेप। प्लैंक स्टेप ये होता है, प्लैंक स्टेप आपने प्लैंक वाली पोजिशन में आके एक टांग आपने लेफ्ट साइड पे अपनी फिर क्लोज करनी है, फिर राइट साइड पे फिर क्लोज करनी है। ये जब मैं आपको देखें करके दिखाता हूँ, ये देखें आप एक्सरसाइज, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये देखें आप, इस तरह आपने एंगल बनाना है, इस तरह पोस्ट अपना बॉडी स्ट्रक्चर, ये ए इस तरह, एक ये दो, ये इस तरह आपने फिर क्लोज करनी है। ये जितनी भी हो सके लाल टांग अपनी ज़्यादा खींचें, ताकि आपकी जो फैट्स है साइड वाली और दरमियान वाली जो फैट्स है बैली, वो जल्द ख़त्म हो जाए। ये भी एक्सरसाइज आपने करनी है 30 से 40 सेकंड तक, बहुत फिट और बहुत इजी, और इजीली आप कर सकते हैं। अपने घर में करें, ग्राउंड में करें, अगर जिम है जिम में करें, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि आपको इसको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद इजीली कर सकते हैं। तो अगली एक्सरसाइज जो है उसके, इसके बाद हमने करनी रेस्ट। अगली एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं प्लैंक रोल, मुरादे के जिस तरह ये आपने अपनी बॉडी एक साइड, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, ये भी बड़ी फिट है। ये भी आपकी साइडों के लिए खासकर, जो आपकी साइडों पे चर्बी नहीं निकली चुकली होती उसके लिए है। ये देखिए आप, इस तरह आपने करना है, ये बड़ी ज़बरदस्त और इजी एक्सरसाइज है। ये भी हमने 30 से 35 सेकंड तक करनी है। और ये देखिए आपने रूल करना है, इसे हम कहते हैं प्लैंक जी। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस, बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस थी, और आप ईजीली घर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जिम नहीं जा सकते तो घर में ही करें, मैंने भी घर में ही करता हूँ। तो आपकी बॉडी फैट्स के लिए ज़बरदस्त एक्सरसाइज है,
दूसरी बात यह है कि अगर ये एक्सरसाइजेज आपको पसंद आई हैं और वीडियो पसंद आई है उसे लाजमी लाइक कीजिएगा। जैसे कि पता आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको सबको एडवांस मेरी तरफ से ईद मुबारक। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।